दानू प्लीज कुछ बोल के दिखा दो मुझे एयरपोर्ट्स चेक करने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत लेट हो गया है उठने में, 12 बजे उठी हूँ क्योंकि पूरा रात जागरण चल रहा है आजकल। बस अब रेडी होने जा रहे हैं, मम्मी का ड्रेस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, मम्मी को ड्रेस दिलवाना है तो वहाँ जा रहे हैं, वहीं मिलते हैं हम जल्दी से। जब ये खेल रहे हैं तो मम्मी के पास रहे। आर यू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं फोटो नहीं, एक्चुअली मैं यूट्यूब। सो एज आई गॉट इन द शॉप ही सेड कि आप वीडियो नहीं बना सकते, उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पता नहीं कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने अंदर तो बनाई नहीं, लेकिन अब हम दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ दिखाती हूँ कि वैसे हमने फाइनल कर लिया है, लेकिन फिर भी वो होता है ना लेडीज़ को इधर उधर घूमने का शौक और दो चार दुकानें देख लें, वो वाली चीज़ चल रही है, तो वो दो चार दुकानें देख लेते हैं और उसके बाद लेना हमें इसी शॉप से ही है वैसे, लेकिन अपना टाइम ख़राब करना है थोड़ा बहुत मम्मी को भी और मुझे भी, तो करने के बाद मम्मा मेरे पास है तो वो टाइम ख़राब करने के बाद वापस से यही लेने के बाद मैं फिर मिलती हूँ आपको। शॉपिंग पे जाएं और गोलगप्पे और टिक्की ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम भी ये परंपरा पूरी निभाएंगे। गोलगप्पे मैं खा चुकी हूँ और अब टिक्की खाने जा रही हूँ। हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, तो मेरा मानना यह है कन्फ्यूजन को दूर करने का बेस्ट तरीका है कि ट्राई करके देख लो, और ट्राई करने के लिए हमेशा हमें अपने आप को एक महीना देना चाहिए पहले, तो उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए प्रिपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये इमेजिन किया कि मुझे योगा से अपना वेट लूज करना है, अब मैं पर मुझे योगा की कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ समय अपना दूंगी पहले योगा को रिसर्च करूंगी, योगा होता क्या है, किस तरह से होता है, योगा कि किस क्या क्या पोजीशंस होती हैं, योगा करने के लिए कोई इंस्ट्रक्टर को ढूंढूंगी, योगा करने के लिए क्या क्या डाइट होनी चाहिए, वो सब यानी ये रिसर्च करूंगी। ये रिसर्च मेरी एक हफ्ता भी चल सकती है, 15 दिन भी चल सकती है, एक महीना भी चल सकती है, 2 महीना भी चल सकती है, रिसर्च का कुछ पता नहीं है। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने योगा पे बहुत अच्छी से रिसर्च कर ली, अब टाइम आता है हमें उस चीज़ को ट्राई करना है। ट्राई करने के लिए हमें पूरा एक महीना देना है, क्योंकि एक महीना इसलिए देना है कि मान लो मैंने आज योगा करना स्टार्ट किया और 10 दिन बाद मेरा मन किया कि यार कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर मैंने ये कसम खाई हुई है कि नहीं 30 डेज तो मुझे करके देखना ही देखना है, तो हो सकता है कि 20 दिन के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाए, या 30 डेज पे मुझे फील हो कि यार मेरा तो 4-5 किलो वेट ही घट गया, तो 10 दिन में नहीं पता चलेगा। इसलिए हर चीज को एक महीना जरूर ट्राई करिए जो भी आप अपनी लाइफ में नया शुरू करना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी चीज को एक महीना ट्राई करते हैं तो ये भी पता चल जाता है रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। दूसरा चीज, क्या हमारा उस चीज में इंटरेस्ट है, क्या हम उसको आगे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट भी पता चल जाता है। तीसरी चीज, हम उस चीज में जब एक महीने तक रेगुलर रहेंगे ना, तो हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा,
और अगर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो चीज हमको बोझ नहीं लगेगी। तो मेरा मानना है जब भी आप लाइफ में कोई भी चीज नहीं स्टार्ट करें तो पहले थोड़ा सा टाइम उसको प्रिपेयर करने में दें, और फिर जब आप उसको स्टार्ट करें तो एक महीना पूरा दें, एक महीने के बीच में उसको स्किप ना करें। एयरपॉड्स तो तुम कैसे बहरे हो गए? यही डालूंगी मैं, ये ब्लॉग में आना है आज, चाहे कुछ हो जाए। यू विल बी द फोकस ऑफ द ब्लॉग, मतलब आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और यू विल बी द सेकंड पर्सन हु विल बी मोर सेंटर्ड इन दिस ब्लॉग।